अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों हाजिर खिदमत हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है MP5 मुकम्मल तौर पे चीज बोर पे बात करने लगा हूँ दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आते हैं अब मेरे पिछले वाले वीडियो के टॉपिक की तरफ। पिछला जो मेरे वीडियो का टॉपिक था दोस्तों वो था 30 बोर AK-47 बैरल, जो कि मेरा अपना जाती अपना पिस्टल था, मेरे अपने लाइसेंस पे था। तो दोस्तों ये पिस्टल मेरे से जाने वाला है, एक दोस्त को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया है। पिस्टल अगले हफ्ते से मेरे साथ नहीं होगा। मैंने कहा चलो यादगार के लिए, इस पिस्टल की याद के लिए एक और वीडियो इस पर बनाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस पर मैं थोड़े से ना राउंड फायर करता हूँ। अच्छा दोस्तों थोड़े से फायर करने लगा हूँ, चेक कर लें, इसका रिजल्ट फिर से आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इस तरह नज़दीक से भी आप लोगों को ना दिखा देता हूँ। बड़ा खूबसूरत सा पिस्टल है दोस्तों, बहुत ही प्यारा पिस्टल है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। दोस्तों फायर करते वक्त एयरफोन एयर प्लग जो है हमेशा पहना करें। मैं आदि हो गया हूँ, मैं जब एयर प्लग पहनता हूँ और फायर करता हूँ और फायर का साउंड में मेरे कानों पे इम्पैक्ट नहीं करता तो मुझे मज़ा नहीं आता। थोड़ी देर में इंशाल्लाह ताला MP5 पे भी जो है ना बात करेंगे, इस पे भी फायर करेंगे इंशाल्लाह ताला। चलिए इस पे थोड़े से फायर करते हैं दोस्तों। दोस्तों ये लोकल पिस्टल लोकल राउंड है, AK-47 बैरल के साथ है दोस्तों। आज तक जब भी मैंने इस पिस्टल पे मैंने फायर किया है, इसने मुझे नाराज नहीं किया। मतलब आज तक मेरे हाथ में इसने एक राउंड टक्कर मिस नहीं किया। बहुत ही आला क्वालिटी का, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का ये पिस्टल बना है दोस्तों। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन चलो इंशाल्लाह आगे उम्मीद है कि इससे भी ज़्यादा बेहतर पिस्टल मेरे हाथ में आएगा। आज के दिन में दोस्तों आप लोगों को अपना 30 बोर का कलेक्शन दिखा रहा हूँ कि मेरे साथ 30 बोर में क्या क्या पड़ा हुआ है, वो कलेक्शन आप लोगों को दिखा रहा हूँ। एक ये वाला पिस्टल हो गया दोस्तों, ब्रेस्ट फायर करने लगा हूँ। ये इस तरह बिल्कुल स्मूथली जो है ना कोका निकालती है, स्मूथली बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है ना रिजल्ट देती है। ये चेक कर ले दोस्तों, इसका हिट फायर भी जो है ना, इसका हिट का निशान भी चेक कर ले। एक ही नहीं बल्कि दो पे इकट्ठे दिखा देता हूँ, बिल्कुल अपनी जगह पे। ये कोका बहुत ज़्यादा गर्म भी है लेकिन चलो ये दिखा देता हूँ आप लोग। तो दोस्तों ये आगे से इंशाल्लाह वीडियोस में नहीं आने वाला ये पिस्टल, चेक कर ले, ये चला जाएगा, बहुत दूर जाने वाला है ये पिस्टल। बहुत प्यारा पिस्टल है, बहुत पसंद है, लेकिन क्या करें। आते हैं दोस्तों अपने 7 शॉट पिस्टल की तरफ। दोस्तों 7 शॉट पिस्टल दूसरा साइड आप लोगों को दिखा नहीं सकता, उस पे नाम वगैरह और लाइसेंस वगैरह लिखा हुआ है। लेकिन ये देख ले दोस्तों, मुकम्मल तौर पे स्टेनलेस स्टील से बनाई गई है। ये 10-45 की इसकी अपर स्लाइड है और 30J का ओरिजिनल बैरल इसमें लगाया गया है दोस्तों। और ये मैगजीन ब्रेस्टेड पिस्टल है दोस्तों, मैगजीन ये वाला जो है ना, मैगजीन ये ब्रस्ट होगा और ये वाला मैगजीन ये सिंगल होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आते हैं सिंगल मैगजीन की तरफ, फिर सिंगल मैगजीन इस पे फायर करते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों 7 शॉट पिस्टल पे फायर करने लगा हूँ सिंगल राउंड। सामने डायरेक्ट फायर करूंगा, कोई रेंज वगैरह मतलब कोई टारगेट वगैरह नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही फायर करूंगा। रिजल्ट शेयर करना चाह रहा था आप लोगों के साथ दोस्तों। सेवन राउंड्स मैंने इससे फायर कर लिए हैं अभी उस पे सिंगल शॉट्स पे। अभी फायर करने लगा हूँ दोस्तों इससे ब्रस्ट। खैर वो नाम तो आप लोगों ने देख ही लिया है, अनवर नाम लिखा हुआ इसके ऊपर, लेकिन चलो लाइसेंस नंबर वालों को नहीं देखा, ये नाम भी नहीं दिखाना चाह रहा था, लेकिन चलो हो गया। ब्रश चलाने लगा हूँ दोस्तों, 5 राउंड है इसमें ब्रश, 7 राउंड है, 7 है कि 5 है पता नहीं। इससे जो है ना ब्रश लगाने लगा हूँ दोस्तों।
दोस्तों 30 बोर का बहुत ही प्यारा साउंड है, चेक कर ले दोस्तों। मुकम्मल तौर पे मैगजीन खाली हो चुका है, ठीक है दोस्तों। अभी आते हैं दोस्तों अपने अगले पिस्टल की तरफ। ये मैं मैगजीन लाना इसका जो है ना भूल गया हूँ रेंज पे। ये ज़िगाना स्पोर्ट्स पिस्टल है दोस्तों 30 बोर में, ज़िगाना स्पोर्ट्स पिस्टल। क्वालिटी के लिहाज से शॉर्टकट बात करूंगा क्योंकि काफी कर चुका हूँ इस पे। 10-45 की इसकी अपर स्लाइड है, 10-45 का इसका बैरल है दोस्तों। इसी तरह 70-50 के एल्यूमिनियम का इसका निचले वाला लोअर जो है वो इस्तेमाल किया गया है। बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी का ये पिस्टल है, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का ये पिस्टल है दोस्तों। मैगजीन नहीं लाया हूँ तो फायर नहीं कर पाऊंगा इस पे। आते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ दोस्तों। M4 की शेप में दोस्तों 30 बोर, ठीक है। M4 की शेप में ये इस तरह क्लोजअप लुक भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसके बाद इसके मैगजीन में तकरीबन 25 कुछ राउंड्स हैं, वो भी इस पे फायर करूंगा दोस्तों, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैं इस तरह एक क्लोजअप लुक, ये मेरे 30 बोर की कलेक्शन है दोस्तों, ये चेक कर लें। और ये सारे लोकल मेड है दोस्तों। ये जो अभी आपने फायरिंग रिजल्ट देखा है, जो अभी मैंने फायर किए हैं, जो फायरिंग रिजल्ट आपने देखा है दोस्तों, ये सारे जो है ना लोकल राउंड, लोकल पिस्टल्स, सब कुछ इसका जो है ना लोकल है। इसमें कोई भी चीज ओरिजिनल नहीं है अलावा इस पिस्टल के बैरल की। यहाँ तक कि जो राउंड इस्तेमाल हुए हैं वो भी लोकल राउंड्स ही इस्तेमाल हुए हैं दोस्तों, लेकिन बेहतरीन रिजल्ट के हामिल जो है ना राउंड्स इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों इस पे भी फायर करते हैं, वो फायरिंग की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और फिर जो है ना अपने वीडियो का अहतमाम करते हैं दोस्तों, ठीक है। सिंगल फायर भी करूंगा दोस्तों और ब्रश फायर भी करूंगा इस पे। क्या ही जबरदस्त किस्म का साउंड है दोस्तों। मैं थोड़ा नजदीक से होके आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा था, इसलिए लॉक करके नजदीक आ गया। ये चेक कर ले दोस्तों, अच्छा एक राउंड जो है हमारा फंस चुका है इसमें। इसे मैं सेट करता हूँ, लोकल राउंड्स है दोस्तों, इसमें ये मसला आता जाता रहता है। साथ में मैं ये जो राउंड इसने फसाया है, ये राउंड भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप ये देखें और ये देखें, कुछ फर्क नजर आ रहा है दोस्तों। तो इस वजह से इसने जो है ना राउंड फसाया है। तो चलिए दोबारा से इसमें ये राउंड डालते हैं और फायर करते हैं इससे, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अक्सर दोस्त मुझे कहते हैं कि आप प्राइस जो है वो शेयर नहीं करते। तो दोस्तों मैं प्राइस इसलिए शेयर नहीं करता क्योंकि प्राइस जो है ये वेरिएंट होता है। वेरिएंट का मतलब ये, अगर ये चीज आज 10,000 की है तो कल 20,000 की भी हो सकती है, 15 की भी हो सकती है, 8 की भी हो सकती है और 5 की भी हो सकती है। इस वजह से दोस्तों मैं प्राइस शेयर नहीं कर सकता। मैं सिर्फ आप लोगों के साथ इसका रिजल्ट शेयर कर रहा हूँ कि देखो इस क्वालिटी के वेपन्स, इस क्वालिटी का असलहा भी मौजूद है हमारे पाकिस्तान में। ऐसे ऐसे क्वालिटीज मौजूद है दोस्तों जो कि ओरिजिनल पिस्टल के साथ चलाने, मतलब ओरिजिनल पिस्टल के मुकाबले किस चलाने की चीजें मौजूद है हमारी पाक मेड वेपन्स में। लेकिन अफसोस कि हम लोग ओरिजिनल के पीछे पड़े हुए हैं और पाक मेड हमने भूला हुआ है, हम इन्हें प्रमोट ही नहीं कर रहे। अपने मुल्क को, अपने कारीगर को, अगर आप ये वाला पिस्टल ले रहे हैं दोस्तों तो इसके जरिए आप लोकल डीलर भी प्रमोट कर रहे हैं, इसके जरिए आप लोकल कारीगर भी प्रमोट कर रहे हैं,
इस एक पिस्टल के थ्रू आप कितने बंदों की जो है ना रोजी रोटी चला रहे हैं, आपके जहन में भी नहीं है। जब आपका वास्ता पड़ता है इस इंडस्ट्री के साथ, तभी आप लोगों को इस बात का अंदाजा होगा। चलो दोस्तों, बातें बहुत हो गई, फायर करते हैं इस पे दोबारा से इस बोर M4 शेप पे। ब्रश ना चलाएं दोस्तों, क्या कहते हैं, एक दो और भी सिंगल कर लेते हैं दोस्तों। रिजल्ट चेक करें, कितना प्यारा रिजल्ट है। एक लोकल मेड पिस्टल, एक लोकल मेड पिस्टल, और रिजल्ट चेक करें दोस्तों। इस पिस्टल को काफी अरसा हो गया है मेरे साथ, एक लोकल मेड पिस्टल है, फिर भी चेक करें कि चलिए दोस्तों, एक लोकल मेड पिस्टल पे जो है ना जो इतना प्यारा रिजल्ट इसने हमें दिया है। चलिए दोस्तों, इस पे ब्रश भी जो है ना चलाते हैं। ब्रश मुझे खैर बताते खुद इतना पसंद नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए करना मैंने शुरू किया है। ये चेक करें दोस्तों, बहुत ही आला किस्म का रिजल्ट दिया है इसने, बहुत ही जबरदस्त किस्म का रिजल्ट दिया है। अच्छा दोस्तों, मैं इस पे एक और तकरीबन दिल कर रहा है कि एक 10 राउंड और डाल के ना इस पे मैं फायर करूं, तो एक 10 राउंड इस पे और डालता हूं, इसे भी फायर करते हैं, उसके बाद अपने वीडियो का एहतेताम करूंगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, 10 राउंड और मैंने डाल दिए, तो ब्रश बहुत अच्छा लगा इसका, ना हैवी पुश नहीं था इसका। मैंने कहा एक 2-4 राउंड जो है ना वो भी कर लेता हूँ सिंगल, और उसके बाद जो है ना ब्रश कर लेता हूँ। अच्छा, मैगजीन डालते वक्त दोस्तों हमेशा याद रखें, गन को जो है ना लॉक पे करें, ठीक है, बिल्कुल इस तरह गन को लॉक पे करके मैगजीन डालें, ठीक है। मैगजीन डल गया, अच्छी तरह चेक कर ले कि मैगजीन डल गया, उसके बाद गन को जो है ना अनलॉक करके, और अभी ये फायरिंग के लिए रेडी है। ये देखें, मैंने कारतूस भी चेक कर दिया कि चढ़ा हुआ है कि नहीं, कारतूस चढ़ा है तो फायरिंग के लिए ये रेडी है। तो क्या करता हूँ दोस्तों, 2-3 राउंड जो है सिंगल चलाता हूँ, उसके बाद सारे ब्रश चलाता हूँ। माशाल्लाह, टारगेट भी इसका बड़ा प्यारा है, इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में, क्योंकि ये तो अपने पास ये सिर्फ यही जा रही है, तो आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह इस पे टारगेट शूटिंग भी करूंगा, कहीं से वो टारगेट वो जो होते हैं वो प्लेट्स वगैरह जो होते हैं वो ढूंढूंगा दोस्तों। काफ़ी महंगे हैं, कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से। बस आप लोगों से ये गुजारिश है कि यहाँ तक आप लोगों ने अगर वीडियो देख ली तो मतलब वीडियो पसंद आई आप लोगों को, तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, ताकि इस तरह की और वीडियोस आने से पहले आपको इसकी आगाही हो। तो चलिए दोस्तों, इस पे ब्रश भी निकालते हैं, अफ्तारी का टाइम होने लगा है, तो ब्रश निकालते हैं, अजान शुरू होने लगे हैं, ब्रश निकालते हैं और अपनी वीडियो का अहतमाम करते हैं। माशाल्लाह, बड़ा ही प्यारा ब्रश दोस्तों, ये चेक कर लें, मुकम्मल तौर पर खाली है दोस्तों, ठीक है। अजान भी शुरू हो गई है, अफ्तारी भी कर लेते हैं दोस्तों, इस तरह करते हैं, अपने वीडियो का अहतमाम करते हैं इसके साथ। अजान शुरू हो गई है, अफ्तारी करनी है, अपने वीडियो का अहतमाम करता हूँ इसी के साथ दोस्तों। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।